हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है यार मेरे अपने गेमिंग यूट्यूब चैनल पर। यार तो चलिए गाइस, आज हम फिर से खेलने वाले मॉन्स्टर एडवेंचर लेट्स गो गेम प्ले। यार तो चलिए, आज हम इस गेम में आज हम डेली टास्क जो आपको डेली टूडेज करने होंगे वो टास्क करने वाले हैं गाइस। तो पहले मैं क्या करता हूँ आपको मैं बता देता हूँ। पहले मैं इवेंट में जाता हूँ, कुछ नया है क्या, इधर मैं डेली लॉगिन करता हूँ। अभी मुझे जीम्स मिले तो ठीक है, ये डेली सीज मुझे मतलब 5 बजे और रात के 10:30 बजे मिल जाते डेली यार। और इधर भी हम देख लेते एक चेंज में। तो चलिए गाइस, मैं पहले क्या करता हूँ भाई, हम इधर पहले अपने मेल बॉक्स में ए डेली ASP क्लैम हो जाते तो ठीक है। हम पहले ही अपने गेम सुबह सुबह प्ले करते वक्त मैं पहले इस फ्रेंड्स के मेल बॉक्स में जाता हूँ, इधर दोनों को क्लैम कर लेता हूँ गाइस। और मैं बाद में मैं अपने गार्डन में जाता हूँ और मेरे घर में जो मैंने पोकेमोन ट्रेन करने के लिए रखे थे उनको मैं निकालता हूँ और फिर से उनकी ट्रेनिंग करने के लिए रख देता हूँ। और जो पेड़ में लगा देता हूँ अपने घर में ही, उनको मैं फिर से उनको पानी डालता हूँ, उनका फिर से वो एप्पल जो होता है HP सीड वो निकाल लेता हूँ। तो चलिए हम आ चुके हैं अपने घर में गाइस, और देखते हैं हम पहले अपने हार्वेस्टर मतलब ट्रीज की तरफ जाएंगे और भाई मैं फटाफट से सारे ट्रीज को पानी दे देता हूँ गाइस। तो चलिए, इधर ये बोल रहा है कि डेली टास्क करो, तो चलिए हम मैं फटाफट से ये डेली टास्क कंप्लीट कर देता हूँ गाइस। तो लेट्स गो। और हमने गाइस ये सारे के सारे सीड भी तोड़ लिए, तो फटाफट से हम इस सारे प्लान को लगा देते हैं गाइस। देखते हैं हम इधर एक और अटैक सीड लगा देंगे, ठीक है। इधर स्पेशल अटैक भी नहीं मिलता यार, जाने दो। और हम चलेंगे अपनी पोकेमोन की ट्रेनिंग की तरफ भाई, हमको इधर खंबे के पास जाना है और इधर टेक ऑल बैक। आज मैं गाइस 5 बजे मतलब 4 बजे उठा और अभी मैं 5 बजे खेल रहा हूँ, इसलिए मैं फिर से इनको मतलब आधा ही कंप्लीट हुआ था और मैं रात को 12 बजे सोया था गाइस, मतलब मुझे ज़्यादा नींद भी नहीं आती भाई। तो ठीक है, हम इधर भी आ चुके हैं इन मिशन को क्लैम करने के लिए भाई। मैंने तीनों के दिनों लगाए थे, इधर सारा दिया होता है गाइस, और हम फिर से इनको लगा देंगे गाइस। और देखेंगे ये 2400 इसमें हमें और भाई अटैक रेट 100% आ चुका है। हम इधर थोड़े थोड़े पोकेमोन लगाएंगे और सेकंड में 4080 इधर आपको ESP लगेगी। तो ठीक है, हम इधर पहले फायर टाइप पोकेमोन चॉइस कर लेंगे, हम एंटेगो रख देते हैं, वॉलकैनन को रहने देते हैं और भाई फिर से हम लगाएंगे, ठीक है। और गाइस हम रायको और विनोसॉर को हम रख देंगे क्योंकि हमें 100% रेट नहीं हो रहा, तो हम फिर से इसको भी हम कर लेंगे। देखते हैं भाई इधर हमें कौन से पोकेमोन लगने वाले, पहले तो साइकिक टाइप, ठीक है। एक हमें 7000 का है इसलिए हम ग्राउडन वॉलकैनन को रख लेते हैं और भाई कायोगर को भी हमने रख दिया। तो ठीक है, हम आगे चलेंगे अपने ग्राउडन के मतलब गार्डन के नेक्स्ट सिटी में मतलब ये बिल्डिंग में यार। तो चलिए, यहाँ पर भी हमने एक और घर खरीदा हुआ है, उधर हम प्रोसेस करेंगे भाई। इधर भी हमारे पोकेमोन ट्रेन होंगे, हमारे कुछ सीट भी लगाए होंगे इधर का। तो ठीक है, हम इसको पानी दे देते हैं फटाफट, हार्वेस्टर का भी ऑप्शन आ चुका है, फटाफट से हम इधर अभी गाइस हम इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे, देखते आगे क्या क्या है हमारे बैकपैक में यार। तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पोकेमोन को लेंगे, उधर शायद होगा सेप्टाइल। और भाई हमें एक और पोकेडेक्स में क्लैम हो चुका है, इधर सुप्रीम पोकेमोन हमें मिलेगा या नहीं क्या पता, जिसका लक होता है उसको भी मिलता है। और इसको टेक ऑल बैक कर लेते हैं भाई, अल्टारिया है और विनोसॉर हमने रखा था, जाने दो। और इधर भाई हम इनको भी हम क्लैम कर लेते हैं, इधर शायद दो है, ये सक्सेसफुल है पहला, दूसरा देखते हैं ये भी सक्सेसफुल हो गया। इसमें हम रख देते हैं अपने नॉर्मल टाइप पोकेमोन को, अच्छा 48000 इसमें बैटल रेट आने वाली है, ठीक है। हम मेन मेन पोकेमोन रखेंगे, मतलब इतने भी अच्छे नहीं लेकिन रखते हैं हम, ठीक है। कंप्लीट हो चुका फर्स्ट टाइप, और इधर भाई 7000 हमें लगने वाला है, लेकिन हमने ग्राउडन वॉलकैनन को चुन लिया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा गाइस। 5000 है अभी तक, 6000 अभी तक हुई, लेकिन एक और हम ऐड नहीं कर सकते, इसको हम जाने देते और फटाफट से अपने अगले मिशन की तरफ मतलब ऑल मिशन क्लैम कर लेते हैं अपने साइड मिशन में। तो ठीक है, ये सारे के सारे आ चुके हैं, हमने अभी अभी जो काम किए उनके साथ हमें एक क्लैम करने के ऑप्शन मिल
चुकी है गाइस। तो ठीक है, हम आपको बता दें आपको अपना घर अपग्रेड कैसे करना होगा गाइस। तो चलिए अपने घर की तरफ बढ़ लेते हैं। हे भाई, एल टाइप के घर है और मेरा एस टाइप का है। तो ठीक है, इधर आपको घर में कीबोर्ड में मतलब वो डंडी उधर आपको जाना है और लेवल अप का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और जो आपको टिकट मिलते हैं उसको आप यूक्यूब कर सकते हो। और भाई, आप अगर गिल्ड में हो तो इधर आप डेली के मिशन कंप्लीट करके गिल्ड के मिशन भी आप कंप्लीट कर सकते हो गाइस। तो ठीक है, हम इधर भी जाके एक और मैच हम खेलेंगे, देखते हैं भाई। और इधर हमारा थर्ड नंबर पे एक और हमारा सब्सक्राइबर भी जिसका ऐश केचम ऐसा कुछ आधा ही नाम है, लेकिन ऐश उसका नाम है। तो ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे गाइस बहुत बंदे मिल जाते हैं भाई आगे आगे। अगर मैं मतलब वर्ल्ड में मैसेज करता हूँ तो बहुत सारी बातचीत करते हैं गाइस। अगर आपको मेरे साथ बातचीत करनी हो तो शाम के वक्त या आ जाना 10:30 बजे, मैं लॉगिन कर लूँगा गाइस उस टाइम। और हमने एक और बॉन्टी ले ली और भाई मिशन में हमारा एक और बॉन्टी कंप्लीट करने का ऑप्शन आ चुका है, मतलब वो भी क्लेम हो चुका है। हम फिर एलिगेटर से लड़ लेते हैं गाइस। तो ठीक है, ये भी एक बॉन्टी है, फटाफट से फिर एलिगेटर को हम सेलिबी के साथ हरा देंगे। और देखे हमने गाइस पहले टायरनिटार, अब रायको को चुना था, ठीक है, अब हम ग्राउडन को चुन लेते और हमने इसको हरा दिया गाइस। एक और बॉन्टी है गोस्पॉन्स पिंक की। तो ठीक है, हम 41 राउंड में इधर क्लिक करके डायरेक्टली जाएंगे यार। तो चलिए देखते हैं इधर नीचे होगी या ऊपर की साइड होगा वो बॉन्टी का मास्टर। इधर भी नहीं है, शायद इधर ग्लास्कोर या कोई मिलता। और भाई मैन टेक आ चुका है हमारे सामने, जाने दो। और भाई इधर नीचे से हम जाएंगे, इस बंदी के साथ हमने अभी तक लड़ा नहीं है। तो ठीक है, कुछ ब्राइटनेस हम बढ़ा लेते हैं। तो ठीक है, फिर से आ चुके हैं, इधर से हम नीचे से जाएंगे। और भाई इधर तो कोई नहीं होगा। तो ठीक है, हम नीचे से एक और शायद ऊपर की साइड। और भाई ये एक बॉन्टी जेंटलमैन है। ठीक है, हमने वॉलकैनन को आगे चुना, इस गेम को हम मतलब इस बैटल को हम जीत लेंगे यार। तो लेट्स गो। मैंने गाइस उस बैटल को जीत लिया और भाई हमारे पास ड्रैगनर कहाँ से आए। और भाई मैंने यहाँ से एक ड्रैगनर ली थी, मतलब इधर आपको एक एक्सचेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है गाइस। और नीचे रिलीज शॉप है, हेल शॉप है, पॉइंट स्टोर और पोके एक्सचेंज का ऑप्शन दिया जाता है इधर आपको एक। भाई इधर से मैंने ड्रैगनर ली थी, पहले हमने गेंगार भी लिया था। आपको मैं बता दूँ, आपके पास अगर बहुत सारे टोकन हो गए तो आप गाइस गेंगार कभी मत लेना, मैं बहुत पछता रहा हूँ गाइस मतलब गेंगार लेके गाइस। तो जाने दो, जो हो गया सो हो गया। तो ठीक है, हमने गाइस इस विनसॉर को मतलब हमारे आईविसॉर को इवॉल्व कर लिया है गाइस कुछ मतलब आईविसॉर एक्सचेंज करके। तो ठीक है, शार्क के साथ। तो ठीक है, फाइनली गाइस हमारा आईविसॉर विनोसॉर में तकदीन मतलब इवॉल्व हो चुका है गाइस। तो लेट्स गो, हम आगे बढ़ेंगे यार अगले मिशन की तरफ। भाई इधर देखो, कुछ हमारे पास विनोसॉर शार्क भी हो गए। और भाई हमने इधर ही बल्बसॉर को पकड़े और आईविसॉर में इवॉल्व किया था, इसलिए मैंने उनको मतलब रिलीज करके उनके साथ विनोसॉर को इवॉल्व किया गाइस। तो लेट्स गो, हम आगे बढ़ेंगे यार। और गाइज हमने आगे के वो ड्रैगन टाइप को हराने के लिए इधर गाइज हमने लैप्रोस को भी पकड़ा था, इसको हम थोड़ा अपग्रेड कर लेते हैं गाइज, इसकी स्किल्स को बढ़ा लेते हैं। और भाई हमारे पास एक कायोगर भी था, भी हमारे पास लैप्रोस भी है और एक हमारे पास एक और पोकेमोन है, शायद उसका नाम जाने दो, हम आगे देखेंगे गाइज। और भाई साहब, मैं आपको एक बैटल दिखा देता हूँ, इधर ही शायद आगे एक लड़की होगी वो बॉन्टी की गाइज, इधर नीचे होगी शायद। और भाई एक और पोकेमोन आ चुका है, चिंचाओ आ चुका है हमारे सामने, उसको जाने दो। और भाई मिल चुके हैं बॉन्टी की एक और लड़की, इसके साथ हम डायरेक्ट बैटल करेंगे। और भाई इसका चार्जर आ चुका है हमारे सामने, हम पहले फ्लेम चार्ज यूज़ करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे और हाइड्रो पम्प उसके मुंह पर लगा देंगे, पहला हरा। और भाई पिकाचो आ चुका है पहले बॉडी स्लैम के साथ, लगातार हम उसको भी हरा देंगे। इलेक्ट्रोबॉल फिर से हमने स्केल के साथ पिकाचो को हरा है। बीटल आ चुके, हम लगातार फ्लेम चार्ज यूज़ करेंगे, देखते हैं। और भाई बीटल भी हार चुके हैं, दो अभी तक चेन से आ चुके हैं हमारे सामने, हाइड्रो पंप किया ही उसने, शायद हमको हरा दिया, लेकिन हमने ग्राउंड को चुन लिया है भाई खतरनाक प्रेस की ब्लेड के साथ भाई। और इसका स्टार्मी बाकी है, पावर जिम लगातार कर रहा है, हमने इसको भी हरा दिया गाइज। और हम आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट डेली टास्क की तरफ गाई। और भाई अगर आप नए नए हो और भाई आपने इस गेम को डाउनलोड किया हो, और भाई आपको पहले क्या करना होगा, अपने 10x गोस्पॉन्स जमा करने होंगे गाइज। और भाई जैसे ही आपको कोई सुपरी पोकेमोन मिलता है खतरनाक वाला, और उसके साथ आपको डेली मतलब वो चीज़ें मिलती है गाइज, वो सुप्रीम पोकेमोन को
स्टार्टअप करने की, आपको वो डेली करना होगा। गाइस हमने वही गलती की कि हमने, हमें भी नहीं पता था कि हम भी न्यू यूजर थे ऐसे गेम के लिए गाइस, और इसलिए हम थोड़ा पीछे, लेकिन गाइस हम फाइनली आगे जाएंगे गाइस। हमने शायद इसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन शायद ये भाग जाएगा गाइस। हमारे पास ग्लाइस्कोर आ चुका है, ठीक है, एस्केप, लेकिन भाई ये हार चुका है, मतलब भाग चुका है हमारे सामने। और भाई फाइनली एक और लड़की आ चुकी है, हमने वॉल्केनो चुना फ्लेम चार के साथ, हमने स्पीड बढ़ाई और भाई इसको हरा दिया गाइस। दूसरा वही भाई टार एंड टार आ चुका है, पहला हमारा मिस हुआ और थंडर फैंग, और हमने इसको हरा दिया, लेकिन भाई अभी तक बचा और इसने वॉल्केनो को हरा दिया। हमने सेल्वी को चुना मैजिकल लिप के साथ, इसका टार एंड टार हार चुका है गाइस। हमने एशियन पावर किया और भाई ये कि हमले में सेल्वी को हरा दिया गाइस। हमने ग्राउंडर को बुलाया और देखते हैं भाई पॉइजन टीम फिर से, हमने बिटल को हराया अभी तक दो, और भाई गैराडोस आ चुका है। हमने भाई अपने झैपडोस को बुलाया, डिचार के साथ हाइड्रो पंप लगा पहले, और भाई लगातार हाइड्रो पंप के साथ हमारे झैपडोस भी हार चुका है। राइको को हमने बुलाया, गैराडोस को हराया, चेन से अभी तक आ चुके हैं, और भाई लगातार देखते हैं कौन पहले हारेगा। डबल स्लैप फिर से हमने स्पार्क अटैक किया, डबल स्लैप फिर से उसने अटैक किया, फिर से हम वही अटैक करेंगे। देखते हैं गाइस हमने फाइनली चेंसी को भी हरा दिया गाइस। तो चलिए हम डेली टास्क की तरफ, अगले मिशन की तरफ बढ़ते हैं यार, तो लेट्स गो। अब गाइस हम अपने पोकेमोन को स्टार अप करेंगे कुछ, हम इसको ओपन कर ले तो भाई हम एडवेंचर में जाएंगे, अपने ग्राउडन को पहले स्टार अप करेंगे। ग्राउडन पे हमने 3 एक्सचेंज पर क्लिक किया और भाई हमने वॉल्केनो को चुन लिया। पहले हम फ्लेम चार्ज करेंगे अपनी स्पीड बढ़ा के, हाइड्रो पंप के साथ तगड़ा वार करेंगे। देखते हैं भाई मड शॉट के साथ वॉल्केनो हार चुका है गाइस। हमने सेलेबी को बुलाया और भाई पहले हम, अगर आपका मेन पोकेमोन हारा आपको फिर से बाहर निकल के और भाई अपने पोकेमोन देख के एक्सचेंज करके और फिर से आपको अपने सुप्रीम पोकेमोन के साथ लड़ना होगा भाई। आपको 3 को 7 मतलब पूरी कोशिश करनी होगी सामने वाली पोकेमोन को हराने की गाइस। ठीक है हमने एशियन पावर पहले लगा, फिर से हमने फ्लेम चार्ज किया, हाइड्रो पंप मिस हो चुका है। देखते फिर से हमने भाई डबल दा, फिर से हमने बाहर निकले और भाई आपके टिकट कहाँ पर ही नहीं जाएंगे गाइस। आपके टिकट अगर आप जीत नहीं जाते तब तक आपके पास वो टिकट 100% रहेंगे गाइस। और पहले देखते और भाई वॉल्केनो हार चुका है। हमने सेलेबी को बुलाया और पहला ग्राउडन हार चुका है गाइस। और देखते एशियन पावर फिर से हमने मैजिकल लिप किए, भाई सेलेबी भी हार चुके। हमने क्रायोग्नोल को बुलाया, भाई एक ही हमले में क्रायोग्नोल को भी हरा दिया गाइस। लैप्रस अभी तक आ चुके और भाई इसको भी हराया इसने भाई बदमाश ने। फिर से हमने प्रेसिपिट ब्लेड्स किया और भाई देखते और भाई सेकेंड ग्राउडन भी हार चुका है। अभी थर्ड बाकी बुल कब किया है इसने और भाई हमने तगड़ा वार कर दिया नीचे से बूम लगाते। और देखते हैं अभी तक ये बचा हुआ या नहीं, 27 अभी तक बची हुए और ग्राउडन को हमने हरा दिया है गाइस 3 या 5 शॉट के साथ भाई। तो ठीक है हमने फिर से इसके साथ बैटल की और गाइस आपको वैसा ही सुप्रीम पोकेमोन के साथ आपको डेली टास्क मिशन में करना होगा गाइज। मैं डेली में अपने ग्राउडन की शार्ट लेता हूँ और भाई वॉल्केनो को भी अपने शार्ट देता हूँ गाइज। तो लेट्स गो हम आगे बढ़ेंगे डेली टास्क की तरफ गाइज। वो फाइनली गाइज हमारे पास आज होने वाला है, मतलब आने वाला है मास्टर बॉल भाई। और हमारे पास पहले से ही मतलब हमारे पास 1 जनरेशन का सुप्रीम फ्लूट था भाई। तो ठीक है हमें एक मास्टर बॉल की ज़रूरत थी क्योंकि मतलब हमें उस ड्रैगन टाइप ट्रेनर को हराने के लिए हमें आइस टाइप पोकेमोन, खतरनाक वाला पोकेमोन चाहिए था। और भाई मुझे पहले से ही ख्याल था कि मुझे आर्टिकोनो चाहिए। आप लोगों ने भी बताया कि आर्टिकोनो की स्पीड बहुत अच्छी, आप उसी को पकड़ो गाइस। थोड़ा ही शार्ट बचा हुआ है और हम फाइनली कुछ मिशन कंप्लीट करके मतलब कुछ राउंड के पोकेमोन पकड़ के उस ठिकान के मतलब सारे अगर हमने पोकेमोन पकड़ लिए तो उधर से आपको 3 3 शॉट मास्टर बॉल के मिलने वाले हैं गाइज। और फाइनली मैंने कंप्लीट भी कर लिया है तो आपको मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ गाइज। और अब हम जाने वाले हैं और टिकुनो को पकड़ने के लिए गाइज, तो लेट्स गो। और गाइज इसके साथ आ जा चुका है फाइनली फ्राइडे को एक नया रिडीम कोड। आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, मैंने इधर दबाया रिडीम कोड में अपने प्रोफाइल में जाके, और भाई लाइव प्रूफ आपने क्लेम मिशन हो चुका है। हम फिर से दबाएंगे इधर गाइस, आपको उधर डालना होगा आज टुडे का रिडीम कोड 1XX8, ठीक है, और आगे गाइस DVHC गाइज, और आपको ओके कर देना है आपका रिडीम कोड। डेली फ्राइडे को एक नया रिडीम कोड आता है, आप अपने वर्ल्ड के चैट में देख सकते हो। आप अगर थोड़ा सा ही रिडीम कोड न्यू तो आपको
कोई भी बंदा दे सकता है न्यू फ्राइडे का रिडीम कोड। तो भाई चलिए हम आगे के लिए पढ़ते हैं यार, लेट्स गो। और भाई हमारे पास अभी तक गॉस्पन में 5 हुए, तो हम अभी स्पिन नहीं करेंगे यार, तो लेट्स गो। और फाइनली गाइस वो समय आ चुका है उस मास्टर बॉल को कॉम्बाइन मतलब एक साथ जोड़ने के बाद वो जब एक मास्टर बॉल बोलेगा तो ठीक है आज हम पे अपनी डिफेंस बैटल अप कर लेंगे। इधर हमने चुन लिए थे कैच पोकेमोन के नाम से, जब हमें कोई भी पोकेमोन चाहे तो हमारे स्ट्रैटर्जी एक ही होती, उसके भाग में मतलब उसको भागने ना दे और उसको सुला के हम अपने पोकेबॉल से उस पोकेमोन को पकड़ लेंगे। पहले इधर हमारे शार्ड में पोकेमोन मतलब मास्टर बॉल होगा उधर शार्ड में, और फाइनल गाइस हम इसको कॉम्बाइन करके अपने हार्ट इकोनों को पकड़ने के लिए जाएंगे यार, तो लेट्स गो। और भाई काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि हाँ प्ले फ्रूट का एक वीडियो बनाए, तो आज भाई 2 वीडियो आने वाला है गाइस, मतलब एक ही वीडियो में सारा कुछ डेली टास्क के साथ में सारा कुछ बता दूंगा गाइस। और देखते हैं हमारे हाथ में वो आर्टिकल आता है या नहीं, क्योंकि भाई मैं बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि उस ट्रेनर ने हमारी बहुत हालत मतलब हमारी हालत ख़राब कर दी यार। कब से मैं डेली जाके उसको मतलब हराने की कोशिश करता हूँ, एक ही झटके में हम उसके 2 ही हराते, उसके साथ हम हमारे सारे के सारे हरा देते हैं, उसकी टाइम हम ग्राउंडन को भी नहीं चुन सकते गाइस, बहुत खतरनाक चैलेंज है। तो ठीक है हमारा इधर सुप्रीम फ्लूट होगा, नीचे होगा इधर गाइस व्यू पोकेमोन में देखते आर्टिकोनों को प्ले द फ्लूट करते हैं, और लेट्स गो हम जाएंगे अपने आर्टिकोनों को पकड़ने के गाइस। और देखते लेट्स गो भाई, हो जा जल्दी हो जा आर्टिकोनों, आ जा हमारे पास भाई, हो रहा है या नहीं, हो जा यार कितना हो भाई, फाइनली आ चुके गाइस आर्टिकोनों को पकड़ने के लिए गाइस। तो ठीक है हम पहले एक स्क्रीन शॉट निकाल लेते हैं, और भाई देखते हैं हमारे हाथ में आएगा नहीं वो आर्टिकोन। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, हमने मिस्ट्री वॉस को बुलाया आई शर्ट पे लेके, और भाई हमने मेन लुक लगा दिया गाइस। देखते हैं ये 3 टाइम भागने की कोशिश कर रहे हैं, 3rd टाइम ही भाग सकता है भाई, पहले हमने अटैक किया उसने तगड़ा और कर दिया है, देखते हैं कौन पहले। और भाई हम इसको मारना भी नहीं चाहते और भागने देना भी नहीं चाहते, इसलिए हम अपने थोड़े से लो लेवल के टाइप को डस्नार को चुन लेते हैं पाउडर स्नो के साथ तगड़ा, और फिर से शायद देखते हमने भाई इसने हमारे डस्नार को भी हरा दिया गाइस। देखते हमने फोजलास को चुन लिया है गाइस, फोजलास हीराक्रॉस को छोटे छोटे हमले करने के लिए हमने रखा था, देखते आई शर्ट पहले लगा प्री ब्रेक 57 का अटैक भाई, देखते गाइस भाई हीराक्रॉस को भी हरा दिया गाइस उस आर्टिको ने यार, क्या करें हम। विनोसॉर को वो हमने बुलाया भाई, सीड बॉम्ब हम करेंगे, और भाई ओ भाई ये तो भागने की कोशिश कर रहा है यार, 61 का डैमेज क्या करें हम फिर से, और यार हमारे हाथ से आर्टिकोनो चला गया यार, क्या करें बहुत बैड लक यार। एक तरफ वो ट्रेनर है और एक तरफ इसने भागने की कोशिश की यार, क्या करें हम। लेकिन गाइस फिर से आएंगे अपना एक और सुप्रीम फ्रूट लेके उस आर्टिकनों को सबक तो हम जरूर सकेंगे, उसको हम अपने मास्टर बॉल में जरूर लेके आएंगे। और तब तक के लिए गुड बाय मेरे यार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरे भाई लोग, और हम फिर से आएंगे एक और नई तगड़ी वीडियो को लेके, तब तक के लिए गुड बाय मेरे यार, बाय बाय। कुछ गैज रह गया हो तो माफ करना, और भाई आप स्टार्टिंग में हो या एंड में हो गेम के, आप स्टार अप अपने सुप्रीम पोकेमोन को जरूर कर लेना गाइस। और भाई हम ड्रैगनाइट को जरूर मतलब ड्रैगनाइट को ड्रैगनाइट जरूर करेंगे आगे, और भाई आप डेली के मिशन जरूर करना क्योंकि उसमें ही सब कुछ है, उसमें आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आपकी लेवल अप कर सकते हो अपनी गेम में यार। तो भाई चलता हूँ मैं, बाय बाय, तब तक के लिए गुड बाय मेरे यार फिर से।